हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों हमारे देश भारत में देवी आराधना का विशेष महत्व है। संभवतः इसलिए हमारे ऋषियों, महर्षियों तथा नीति नियंताओं ने देवी आराधना के महापर्व का वर्ष में ग्रीष्म तथा शारदीय दो नवरात्रियों का विधान बनाया है। इन दोनों नवरात्रियों में सभी देवी मंदिरों में हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि आदिशक्ति देवी माँ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, वो उनकी हर मुराद पूरी करती हैं। यूं तो भारत के हर गांव और हर शहर में देवी मंदिर स्थापित हैं, लेकिन भारत के मैनचेस्टर कानपुर में तो 500 से लेकर 5000 वर्ष पुराने 6 ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में है। इनमें प्रमुख है तपेश्वरी देवी मंदिर, भक्तों कानपुर नगर के बिरहाना रोड पटकापुर स्थित मां तपेश्वरी देवी का मंदिर, कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर पूर्णतः जनक नंदिनी सीता को समर्पित है। तपेश्वरी मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर माँ तपेश्वरी का दर्शन पूजन करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और नवरात्रि के शुभ दिनों में माँ के 108 पावन नामों का जप करते हैं, भगवती उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। इसलिए शारदीय तथा ग्रीष्म नवरात्रि में दूर दराज से माँ के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए भक्तों का रेला पहुंचता है। भक्तों तपेश्वरी देवी का कोई ऐतिहासिक आधार प्राप्त नहीं है जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। कि जब माता सीता श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो अयोध्या से सर्वप्रथम आके बिठूर उठे थे। बिठूर से माता सीता यहाँ तप करने आती थी, यहाँ घनघोर जंगल था। माता सीता जी के तप से माता जी प्रकट हुई, या माता सीता ने अपना स्वरूप छोड़ दिया। तो उस समय यहाँ घनघोर जंगल था। धीरे धीरे करके ये कानपुर बस्ता चला आया तो यहाँ आबादी होने लगी। जो हमारे प्रबंधक जी हैं वो इस समय 7वीं 8वीं पीढ़ी पे हैं और यहाँ तब से उनके प्रकट हुई। कहना है कि मतलब लव कुश का मुंडन छेदन का संस्कार यहीं पे संपन्न हुआ है, इसलिए मुंडन छेदन का संस्कार कुछ अधिक मात्रा में। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित तपेश्वरी मंदिर जाकर दर्शन कर तपेश्वरी का मातृत्व व वात्सल्य कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार, इति शुभम।